तो दोस्तों आपको सीजीपीएटी 2022 के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगा, हमारे चैनल पे आप विजिट कीजिए, हमारे चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा A to Z। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री विश्वास पे। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ फसलों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ जो कि हमारे सीजीपीएटी 2022 का एक PDF है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे PDF परचेस नहीं किया है तो दोस्तों आपके पास अभी भी टाइम है। सीजीपीएटी 2022 का एग्जाम दोस्तों 100% होगा, क्योंकि इस बार जो है कोरोना का उतना ज़्यादा कहर नहीं है जितना कि क्योंकि दोस्तों इस बार कोरोना उतना ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों आइए चलते हैं इस PDF में कि इस PDF में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस PDF में मैं धान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी को आपको पढ़ाने वाला हूँ जो कि धान से रिलेटेड है। थ्योरी जो है सीजीपीएटी में थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुट अप होता है, तो थ्योरी जो है पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है आप लोगों के लिए। तो धान से रिलेटेड हर साल 2 या 3 क्वेश्चन धान से रिलेटेड आता है। कभी कभी धान का वानस्पतिक नाम पूछ देता है, या कभी धान का परिवार पूछ दिया जाता है जिसे कुल कहा जाता है, या फिर धान का उत्पत्ति स्थान पूछ दिया जाता है, धान का गुणसूत्र पूछ दिया जाता है, धान का भारत में क्षेत्रफल कितना है यह पूछ दिया जाता है। तो दोस्तों ये आपके लिए जरूरी है कि आप धान से रिलेटेड सभी को आप अच्छे से पढ़ो। तो दोस्तों आपको भी इस टाइप का अगर PDF चाहिए तो ऊपर जो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है 9644073286, इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करके हमसे CGPAT का 2022 का कंप्लीट नोट्स PDF ले सकते हैं, जिससे लेने के बाद आपको ना ही कहीं से आपको नोट्स या कोई मार्केट से बुक परचेस करना होगा, ना ही दोस्तों आपको कोचिंग जाने का जरूरत होगा। बस आपको हमारे नोट्स से स्टडी करके ही आप अपना CGPAT 2022 में अच्छा स्कोर करके गवर्नमेंट कॉलेज में आप जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं धान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो पढ़ लेते हैं क्या क्या है। तो हमारा धान का जो है वानस्पतिक नाम जो है ये उराइजा सटाइवा होता है। धान का जो परिवार है वो ग्रेविनी जिसे पोएसी नाम से भी जाना जाता है। धान का उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्वी एशिया जो कि हस्तिनापुर भारत के नाम से भी जाना जाता है। धान का जो गुणसूत्र संख्या है वो हो जाता है 2N24। और जो क्षेत्रफल भारत में वो हो जाएगा 1 मिलियन हेक्टेयर, सर्वाधिक धान का सर्वाधिक क्षेत्रफल होता है। और यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं क्षेत्रफल में भारत जो है फर्स्ट है और चीन जो है दूसरा। और उत्पादन में देखते हैं उत्पादन में जो है चीन जो है हमारा पहला स्थान पे है और भारत जो है दूसरा स्थान पे है। और उत्पादकता जो है US में ज़्यादा होता है, जापान दूसरा नंबर पे है। आगे देखते हैं अनुसंधान संस्थान, धान से रिलेटेड कुछ अनुसंधान संस्थान भी पूछ दिया जाता है। पिछले परीक्षा 2021 का पेपर में एक क्वेश्चन आया था केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा कटक, जिसे CRRI के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं IRRI अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो फिलीपींस मलिना में स्थित है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश क्षेत्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है बड़वानी मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं भारत में धान का क्षेत्रफल उत्पादन एवं उत्पादकता, तो हमारा भारत के बारे में बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक धान का क्षेत्रफल जो है पश्चिम बंगाल में है और सेकंड में उत्तर प्रदेश में आता है। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी नोट कर ले। अगर आपने हमारे नोट्स से लिया है तो दोस्तों हमारे नोट्स में आपको इसको स्क्रीनशॉट मार के रखो, ताकि दोस्तों आप जब भी गैलरी खोलो तो आपको यह दिख जाएगा। क्षेत्रफल में जो है पश्चिम बंगाल फर्स्ट में है और उत्तर प्रदेश दूसरा में है। और उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल हमारा प्रथम में है और उत्तर प्रदेश हमारा दूसरा नंबर पे है। और उत्पादकता में हमारा पंजाब जो है पहला नंबर पे है। तो दोस्तों यहाँ पे इस टाइप का आपको धान से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहाँ पे आप दिखाया गया है इसे देखते हैं। तो हमारा पहला जो है धान भारतीय जनसंख्या का स्टेपल फूड है। तो दोस्तों इस स्टेपल फूड को आप यहाँ पर राइट करके अपने जो नोट्स बना रहे हो उसमें ऐसे कुछ स्पेशल कलर से लिखे ताकि आपको ये पॉइंट आपको दिख जाए। दूसरा देखते हैं सर्वाधिक संकर धान की खेती चीन में होती है। दोस्तों चाइना में जो सर्वाधिक संकर धान की खेती होती है। तीसरा नंबर में देखते हैं विश्व में सर्वाधिक धान का उत्पादन एवं उपभोग एशिया में लगभग 90% होता है। दोस्तों एशिया में जो धान का उत्पादन और उपभोग दोनों एशिया में 90% होता है। आगे देखते हैं धान का पौधा सबसे अधिक पानी चाहने वाला पौधा होता है। 1 kg दाना बनने के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, अन्य अनाजों की तुलना में 10 गुना अधिक होता है। दोस्तों ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ दिया जाता है CGPAT में धान का 1 किलो दाना बनने में कितना लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर ऑप्शन दिया जाए रहेगा 3000, 4000, 5000 या 6000, तो उसमें से आपको 5000 को राइट करना है, वहाँ पर गोला करना है। आगे देखते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन धान में उपस्थित प्रोटीन, ये क्वेश्चन में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूछ दिया जाता है धान में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओराजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं धान में पॉलिशिंग का प्रतिशत 0.5
2% होता है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको CGPAT में बार बार देखने के लिए मिल जाएंगे। आप अगर CGPAT 2022 का तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इस टाइप का क्वेश्चन को याद रखो या फिर नोट्स में अपने नोट्स में इसे अलग से एक जगह इंपॉर्टेंट फैक्ट करके इसे आप एक साथ। तो दोस्तों जो स्टूडेंट CGPAT 2022 का तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन ये PDF मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे देखते हैं कुछ फैक्ट धान के बारे में। धान की प्रजाति स्पाइस अपेडी ओराइजा वंश में 24 प्रजाति आती है। इनमें से दो की देखी जा सकती है जो निम्न है, ओराइजा सटाइबा इंडिका भारत में, जापानिक भारत में, और जवानिका जो है इंडोनेशिया में, और ओराइजा ग्लोबिन जो है अफ्रीका में, पश्चिम अफ्रीका में। इस टाइप का जो है धान का अलग अलग जगह पे, जैसे भारत में इंडिका, जापान में जापानिका, इंडोनेशिया में जवानिका, इस टाइप का दोस्तों धान का कुछ अलग अलग भी वैरायटी है। आगे देखते हैं सामान्य धान की खेती 2 बार उत्तर प्रदेश में। दोस्तों और एक मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे जो लिखा गया है हैंड राइटिंग से, सामान्य धान की खेती वर्ष में 2 बार किया जाता है, और जो उत्तर प्रदेश में है यहाँ पे धान का 3 बार खेती किया जाता है। आगे देखते हैं धान की बुआई से रिलेटेड कुछ जानकारी। धान का बोने का समय दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे ऋतु के आधार पर जो है गर्मी में जो है धान का बुआई जो है बुआई का समय मई जून में धान का बुआई किया जाता है गर्मी टाइम में, और कटाई जो है सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। वही जो देखते हैं खरीफ में जून जुलाई में इसका बुआई किया जाता है, और अक्टूबर नवंबर में इसे काटा जाता है, और जो रबी में किया जाता है नवंबर दिसंबर में इसका बुआई किया जाता है, मार्च अप्रैल में इसे कटाई किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से भी रिलेटेड CGPAT में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपने नोट्स लिया है तो दोस्तों ये सब आपको याद करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको एक बार पढ़ते हुए जाना है, वैसे ही आपको माइंड में धीरे धीरे घुसते रहेगा। हर दिन आपको रिपीट करते करते ये क्वेश्चन आपको दिमाग में आराम से बढ़ जाएगा, और इसी से रिलेटेड जो हमारा टेस्ट सीरीज बनाया जाता है उसमें आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो। आगे देखते हैं नोट, धान मुख्यतः खरीफ ऋतु की फसलें हैं। तो दोस्तों धान जो है मुख्यतः कौन सी ऋतु, तो खरीफ ऋतु की फसलें हैं। धान के लिए जलवायु, दोस्तों धान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। धान आर्द्र तथा गर्म जलवायु का पौधा होता है या लघु दिवस पौधा होता है। धान एक C3 पौधा होता है। दाना पकते समय 20 या 25 डिग्री सेल्सियस को C3 पौधा कहा जाता है, और C4 पौधा जिसका तापमान कुछ ज़्यादा रहता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस उसे C4 पौधा कहा जाता है। आगे देखते हैं धान स्वपरागित फसलें होता है। धान का पुष्पक्रम पेनिकल कहलाता है। क्वेश्चन भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धान का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, तो ये पेनिकल कहलाता है। आगे देखते हैं धान के पुष्प में 6 पुकेसर होते हैं। धान का बीज या दाना कैरियोप्सिस कहलाता है। आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, धान के दाने या बीज में लेमा या पोलिया पाया जाता है, इन्हें एक साथ हल कहते हैं, इसे हटाने की क्रिया हलिंग कहलाती है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धान के हलिंग प्रतिशत 66% होता है। 10वां, धान की खेती के लिए भूमि का pH मान 5.5 से 6.5 होता है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा गया है अलग से, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपने इस नोट्स को लिया है तो दोस्तों वहाँ पे आपको कहीं कहीं पे इंपॉर्टेंट करके लिखा रहेगा, उसको तो आपको स्पेशल याद करना ही है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस PDF में यहाँ पे IMP लिखा गया है, मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आने के 100% चांसेस रहते हैं। तो धान का जो pH मान होता है 5.5 से 6.5 तक होता है। आगे देखते हैं धान की बीज दर। तो दोस्तों धान का कुछ बीज दर अलग अलग बुआई की पद्धति में अलग अलग होती है। तो दोस्तों सीधी बुआई मतलब बिखेर कर इसमें 100 kg हेक्टेयर लग जाते हैं। डिबलर डिलिंग जिसे कहा जाता है, एक बीज बोने की क्रिया होती है, एक मशीन होता है, इसके द्वारा 60 kg हेक्टेयर लगता है। डिपोक विधि, इसमें दोस्तों 1.5 से 3 kg लगता है। ये डपोक विधि से पौधा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, लगभग बोने के लिए 14 से 15 दिन में तैयार हो जाता है। पद्धति मेडास्कर पद्धति जो है इसमें 7.5 kg हेक्टेयर लगता है, और संकर धान जो है 15 kg हेक्टेयर लगता है बुआई के लिए। धान की नर्सरी तैयार करने की विधि, तो दोस्तों ये सब विधि आप आराम से नोट से लेके आप स्टडी करके उसमें से आप देख सकते हैं, उसमें से आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें कुछ समझाने वाला चीज नहीं है, आप इसे आराम से एक बार देख लोगे तो आपको दिमाग में आराम से बढ़ जाएगा कि कौन कौन सा क्या चीज़ है। तो दोस्तों इस PDF में धान से रिलेटेड और गेहूँ से रिलेटेड लगभग सभी फसलों से रिलेटेड इसमें इस PDF में बनाया गया है, आप इसे आराम से ले सकते हैं। हमारे ऊपर स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करके हमसे इस टाइप का PDF आप ले सकते हैं, तो दोस्तों CGPAT 2022 के लिए हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। आप हमारे WhatsApp ग्रुप भी बनाया गया है, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा WhatsApp ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमें
ऊपर जो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का बात को आप कह सकते हैं, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी बने रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विश्वास पे।